मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे ड्रोन मैविक सीरीज वाले आए हैं, छोटे ड्रोन मैविक मिनी, मैविक मिनी 2, DJI स्पार्क एंड मैविक एयर, उन लोगों में उन ड्रोन में एक ना कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। जब हम लोग अपने गिम्बल रिप्लेस करते हैं उसमें, तो हमारा गिम्बल नया गिम्बल लगाता है तो वो गिम्बल अलाइन नहीं होता। तो उसमें वो क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन है, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। जैसे मैं आपको दिखाऊँ एक बार, इधर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ड्रोन है मैविक मिनी 2। मैंने अभी इसका ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, दो कारणों की वजह से आ सकती है। अगर आप इसका गिम्बल चेंज करोगे तब भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी, या इसका आप IMU बोर्ड चेंज करोगे तब भी आपको गिम्बल के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपका गिम्बल अलाइन नहीं होगा। तो इसको आपको अलाइन कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको उसके लिए बताऊंगा आज। तो जैसे मैं अभी, आप देखोगे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर ये मैंने ऑन करा, यहाँ रखा, अब ये देखिए इसका गिम्बल जो है अभी अलाइन नहीं है, इसका गिम्बल अभी टेढ़ा खड़ा हुआ है। देखिए आप ध्यान से, आप मैविक मिनी 2, DJI स्पार्क वाला जो भी ड्रोन है, मतलब ऐसे मैविक सीरीज के छोटे मॉडल है उनको, जैसे अगर आप उसका गिम्बल चेंज करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आपका गिम्बल अलाइन नहीं होगा। नया गिम्बल आप लगाओगे तो अब आप, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, वो देखिए गिम्बल, अगर मैं इसको अप डाउन करूँ तो ये गिम्बल मेरा इससे रिमोट से अप डाउन हो रहा है, सारे फंक्शन हो रहा है। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो वो देखो गिम्बल मेरा बैलेंस भी हो रहा है, तो देखो गिम्बल अपने आप बैलेंस हो रहा है, बट वो सेंटर में अलाइन नहीं है। वो देखिए, देखो ये मैं आगे पीछे करता हूँ, वो गिम्बल अपने आप बैलेंस कर रहा है बट वो 0-0 अलाइन नहीं है। अगर आप सोचोगे कि इसको हम लोग कैलिब्रेशन करके 0-0 कर लेंगे तो ये कैलिब्रेशन भी नहीं होगा। कैलिब्रेशन से भी नहीं होगा तो इसके ये प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करना है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं चाहूँगा कि इसको स्क्रीन में निकालें। हमें इस कंडीशन में अपने गिम्बल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसके लिए हमें सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, ये सारी जो गिम्बल की प्रोग्रामिंग है वो है हमारी कमांड प्रॉम्प्ट की। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमने इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग या इसका जो सॉफ्टवेयर है हमने कहाँ पे रखा हुआ है वो हमें वहाँ पे जा करके हमें उसको इंटर मारना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका सॉफ्टवेयर रखा है डी ड्राइव में, DJI में, तो मैं अभी DJI में इंटर हो गया कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको ये DOS कमांड्स आती है वो इसको ऑपरेट कर सकता है। अदरवाइज़ ये चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग इसको ईज़िली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके अंदर जा कर के मुझे अपना जहाँ पे सॉफ्टवेयर रखा है, मुझे DJI सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी इसका पाथ है, पाथ इसका एक एड्रेस होता है जो कंप्यूटर जानता है, थोड़ा सा उसको पता है कि मुझे इसका एक एड्रेस वे जो है वो इसका मुझे यहाँ देना है कि इसका एक एड्रेस लाइन क्या है। मुझे D के अंदर जो मेरा ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मेरा ये वाला जो सॉफ्टवेयर है उस वो इस मेरा डी ड्राइव, मैंने अभी उसके अंदर डी ड्राइव या सी ड्राइव, जिस भी ड्राइव में मैंने रखा हुआ है, तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर सी ड्राइव के अंदर एक DJI फोल्डर के नाम से रखा हुआ है। अब मैं कमांड के थ्रू मैं अपने उस DJI फोल्डर के अंदर चला गया, तो जब मैं DJI फोल्डर के अंदर चला गया तो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम रखा हुआ है, तो वो सारा नाम मुझे फिल करके उसके एक सेटअप के अंदर जाना होता है। जब मैं उसके सेटअप के अंदर जाऊंगा तो वो यहाँ पे कमांड देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने ड्रोन को हम लोग उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, अपनी USB पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, USB पोर्ट के साथ। इसमें हमें मतलब सारा कुछ उसी के थ्रू हमें ये फिल करना पड़ता है कि हमारा ये USB कौन सी पोर्ट पे लगा हुआ है,
कितना नंबर कोड हमारी काम कर रही है अभी यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, हमें कोड कहाँ से चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको अपने ड्रोन को USB पोर्ट में अटैच कर लिया, तो ये मेरा USB जो मेरी अटैच हो गई है, तो वो मैं एक बार दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा वो कंप्यूटर में दिखाएंगे आपको, तो वो मैं माई कंप्यूटर में जा करके अपना जो मेरा डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस मैनेजर में जितना भी मेरा हार्डवेयर है, तो वो मेरा जो हार्डवेयर है यहाँ पे वो डिटेक्ट करके शो करके दिखाता है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान थोड़ा सा और रखना होगा कि सम टाइम ये जो हमारे ड्रोन है, जो छोटे माइक्रो ड्रोन है, ये हम लोग इसको जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी इसको कनेक्ट किया, तो अभी इसने कुछ दिखाया नहीं अंदर कि कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। मैं इसको एक बार अपने दूसरे सॉफ्टवेयर में चेक कर लेता हूँ कि ये वो सॉफ्टवेयर में कनेक्ट हो रहा है मेरा ड्रोन के नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो पता चल जाएगा एक बार। इसमें कई बार वो थोड़ा डिले टाइम को डिले करता है, मतलब थोड़ी देर बाद वो कनेक्ट होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मतलब टेंशन में नहीं जाना कि यार अभी वो कनेक्ट नहीं हुआ, समटाइम वो थोड़ा टाइम लगा देता है कनेक्ट होने में। अभी मैं एक बार इसमें देखता हूँ कि वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट हुआ कि नहीं मेरा DVI असिस्टेंट में, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो एक बात का आपको ध्यान जो बहुत ज़रूरी रखने वाला है कि कभी भी आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करोगे ड्रोन पे, तो आपको इसका बैटरी लेवल ज़रूर चेक करना है। इसका जो बैटरी लेवल है वो फुल होना चाहिए, या 50% 80% से ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा देखो सॉफ्टवेयर असिस्टेंट के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये ड्रोन चेक करना है कि मेरा ये ड्रोन कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरी केबल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या इसमें कोई और दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें मुझे चेक करनी है। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हमें चेक करनी पड़ती है, हार्डवेयर में इसमें क्या प्रॉब्लम है, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी देर तक ये आपका हार्डवेयर में कनेक्ट नहीं होगा, तो उतनी देर तक आपको ये सारी चीज़ें मतलब आपकी नहीं हो पाएगी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको इसको ये चीज़ें सारी आपको मैनुअली चेक करनी पड़ेगी कि ये हार्डवेयर कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, अदरवाइज आपका वो DOS कमांड में जो भी आप कमांड दोगे तो वहाँ पे अभी वो हो ही नहीं पाएगा, तो ये चीज़ें आपको मतलब चेक करनी है सबसे पहले। तो ये दोस्तों ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपका ये गिम्बल जो है वो अलाइन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। या फिर इसका एक सॉफ्टवेयर आता है वो बहुत ज़्यादा डोंगल आता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो मेरे ख्याल में इतना 3-3.5 लाख रुपया कोई वर्थ नहीं है लेके लगाने का, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे हमारे साथ बात कर सकते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है, तो ये वीडियो देखेंगे। अदरवाइज मैं इसके कम्प्लीट वीडियो द्वारा और डालूंगा, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था कि ये ड्रोन में अभी USB कनेक्ट नहीं हो रहा, कई बार हो जाता है थोड़ा डिले होता है, तो मैं उस डिले के चक्कर वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता। तो अगर आपको इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, जो भी अपने ये ड्रोन छोटे हैं, DJI Spark मॉडल है, DJI Air है, इनमें ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। अगर आप कोई भी इसमें पार्ट चेंज करते हो तो उसको अलाइन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की यूज़ करती है। वो सॉफ्टवेयर नॉर्मली जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि DJI असिस्टेंट से आप कोई भी सॉफ्टवेयर, आम कस्टमर हो कंज्यूमर भी हमारा उससे कैलिब्रेशन भी कर लेता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी कर लेता है, डाउनग्रेड भी कर लेता है, उससे कोई ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट नहीं है वो हमारे लिए ना। पर ये जो है हमारा DOS कमांड का ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो दोस्तों इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कर सकते हैं इसको। अगर आपको इसके लिए कुछ नॉलेज चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपने इसके ऊपर सीखना है, कोई बात करनी है, मेरे साथ बात कीजिए, मैं आपको सीख के लेकर सारा कुछ बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।